hello everyone welcome back to my channel english with shasta i am shasta so today we'll discuss the unit 1 and unit 2 of your particular paper technical writing the paper code is awc oblique scc301 so in this video we'll discuss unit 1 and unit 2 so make sure that you are prepared your grammar portion well because you will get 15 questions and out of 15 questions you have to attempt any 10 questions from the language skills and you will be asked three to four questions from voices three to four questions from punctuation and again three to four questions from narration and you will get a question from three forms of verb you have to choose the appropriate form of verb so jisko tenses acche se aate honge jaise ki suppose had hai had ke baad aapko pata hai ki agar cried aapko diya hoga ब्रैकेट में तो आपको उसका cried करना है थर्ड फॉर्म ठीक है तो जिसके टेंसेस क्लियर होंगे ही विल बी एबल टू डू दैट सो फोर टू फाइव क्वेश्चन इन दिस यूनिट नंबर टू सो आप अपने नोटबुक का पेन लेके बैठ जाए और नोट डाउन कर लें नोट्स बनाए वीडियो को पॉज करें ठीक है सो मैनुअल मैनुअल क्या है मैनुअल इज अ फॉर्म ऑफ टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन है एवरीथिंग वी सी अराउंड अस हेज अ मैनुअल वेदर इट इज अचन गैजट और अटी स्कैनर मैनुअल हेल्प्स अ कस्टमर और अ टेक्निकल स्पेशलिस्ट टू यूज़ एंड मेन्टेन अ प्रोडक्ट और अ डिवाइस आपको पता है मैनुअल जो होती है वो क्या हेल्प करती है कि हम जब भी कोई प्रोडक्ट लेते हैं उसके साथ हमें एक बुकलेट मिलती है जिसमें सब कुछ लिखा होता है एस ओ पीज लिखी होती है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स किस तरीके से हमें यूज करना है किस तरीके से हमें ऑपरेट करना है किस तरीके से हमें चलानी है वो चीज़ ठीक है उसके क्या डूज एंड डोंट्स हैं वो सब कुछ लिखा होता है डैट इज़ अ मैनुअल अब यहाँ पे आप कोट कर सकते हैं ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड डिक्शनरी की कोटेशन आई है अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी मशीन वेन यू बाय का मैनुअल का रोल है ठीक है अब मैनुअल क्या होता है जब भी हम कोई चीज लेते हैं उसके साथ हमें क्या आती है एक मैनुअल आती है मैनुअल इज ऑल्सो नोन एज गाइड बुक रेफरेंस बुक हैंड बुक इंस्ट्रक्शन बुक ठीक है वेयर आर यूजर और अयर फाइंड ऑल द डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट ठीक है अलोंग विद ऑपरेशन मेंटेनेंस यूज सेफ्टी एंड अदर थिंग्स ठीक है अब मैनुअल और गाइड में क्या डिफरेंस है मैनुअल गाइड में क्या डिफरेंस है कि मैनुअल जो होती है वो उसमें सारी की सारी टेक्निकल इंफॉर्मेशन होती है वेयर एज गाइड में क्या होता है गाइड में इट प्रोवाइडस टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन मीन्स प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड इन द गाइड मैनुअल जो होती है एक बुकलेट होती है जिसमें कुछ पेजेज़ होते हैं कंटेन्स अ फ्यू पेजेस लेकिन जो गाइड होती है उसमें क्या होता है वो शॉर्ट होती है और इट कैन भी एज सिम्पल एज अ कार्ड ठीक है ये आप लिख सकते हैं आप चाहे वीडियो स्लो करके देखें लेकिन जो मैं बोल रही हूँ वो अपने आंसर में लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे ठीक है अब इंपॉर्टेंस और पर्पज मैनुअल का इंपॉर्टेंस एंड पर्पज आर द सेम नंबर वन इज इट इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड क्या है कि इट इज़ यूज टू इन्फॉर्म इंप्लॉइज अबाउट द पॉलिसीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थर्ड इट कैन गाइड द स्टाफ अबाउट द एथिक्स ऑफ कंपनी फोर्थ इट कैन हेल्प टू कम्युनिकेट डायरेक्शन अबाउट सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स दैट इज नोन एज एस ओ पी दैट हाउ यू हैव टू ऑपरेट इफ यू हैड बॉट सर्टिन काइंड ऑफ प्रोडक्ट और एनी थिंग सो हाउ यू हैव टू

इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ़ कस्टमर केयर टाइप्स ऑफ मैनुअल आ जाएंगे टाइप्स ऑफ मैनुअल में आपका जाएगा दो तरीके के मैनुअल है नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल मैनुअल जो टेक्निकल मैनुअल होती है वो टेक्निकल स्टाफ के लिए होती है ठीक है जो वहीं पर काम कर रहे हैं और नॉन टेक्निकल होती है हम जैसे लोगों के लिए ठीक है जिसमें हमें सारे के सारे प्रोसीजर्स लिखे होते हैं अब जो इसके टाइप्स हैं ना ठीक है न, जब मैंने ये पढ़ा था तो मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई थी ताकि मेरे को ये सारे टाइप्स याद रहें पॉप एस टी फू पॉप एस टी फू आप कुछ और भी निमोनिक्स बना सकते हैं लेकिन मैंने आई हैव क्रिएटेड दिस सो इसमें पी से क्या आ जाएगा सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ मैनुअल आ जाएगा प्रोसीजर मैनुअल प्रोसीजर मैनुअल में क्या जाता है जिसमें आपके प्रोसीजर या स्टेप्स लिखे होते हैं किस तरीके से आपने किसी वर्क को या किसी प्रोडक्ट को आपने यूज़ करना है ओ ओ से आ जाएगा ऑपरेशन मैनुअल ऑपरेशन मैनुअल जो है वो किसको दी जाती है ऑपरेशन मैनुअल जो होती है वो स्टाफ को दी जाती है जिसमें गाइडेंस लिखी होती है किस तरीके से आपको कौन से फंक्शन को परफॉर्म करना है लाइक ऑपरेशन मैनुअल्स फोकसेज ऑन डेली वर्क एक्टिविटीज़ एंड प्रोवाइड गाइडेंस फॉर द स्टाफ टू परफॉर्म दंक्शंस करेक्टली ओके थर्ड इज दी अगेन पी मीन्स पॉलिसी मैनुअल पॉलिसी मैनुअल में आपको इम्प्लॉय के लिए गाइडलाइंस होती हैं ठीक है ठीके? सब कुछ उसमें एथिक्स वगैरह मैंशन किए होते हैं एस से क्या आ जाएगा एस से आ जाएगा आपका सर्विस एंड मेंटेनेंस मैनुअल सॉरी इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड सो सर्विस एंड मेंटेनेंस मैनुअल सर्विस एंड मेंटेनेंस मैनुअल में क्या आ जाएगा कि किस तरीके से आपको मैंटेन करना रिपेयर करना अपने इक्विपमेंट को जो आपने खरीदा है एस हो गया टी से टी से ट्रेनिंग मैनुअल ट्रेनिंग मैनुअल में क्या आ जाएगा कि जो आपके नए पीपल आए होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में न्यूली रिक्रूटेड इम्प्लॉय उनको जो है वो बताने के लिए कि किस तरीके से उनको गाइडेंस मिल जाए ट्रेनिंग मैनुअल्स आर रिटन टू तो प्रोवाइड गाइडेंस फॉर पीपल न्यू टू तो एन ऑर्गेनाइजेशन ठीक है नेक्स्ट एफ से फील्ड मैनुअल फील्ड मैनुअल उनको दी जाती है जो कि वर्कर्स होते हैं वर्क साइट पर ठीक है यूज आ जाएगा यूज़र मैनुअल यूज़र मैनुअल हम जैसे को दी जाती है जब हम कोई भी एक इक्विपमेंट लेते हैं उसको किस तरीके से तरीक तो चलाना है क्या उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं क्या सेफ्टी है कस्टमर के हेल्पलाइन नंबर हर चीज़ उसमें जो है वो मैंशन की होती है कमिंग टू गाइडलाइंस सो गाइडलाइंस क्या है इसकी गाइडलाइंस मीन्स गाइडलाइंस का मतलब होता है कि किस तरीके से आपने जो है वो मैनुअल आपकी मैनुअल होनी चाहिए ठीक है रेगुलेशनस के हैं रूल्स के हैं गाइडलाइंस रूल्स रेगुलेशन सारे एक ही बात है ठीक है सबसे पहले फिजिकल यूजर मैनुअल देनी है पीडीएफ नहीं देना है सेकंड स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट जो है वो उसमें लिखना है आपको सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना है एवरीडे वकैबलरी का यूज़ करना है ठीक है ताकि मुश्किल ना हो समझने में ठीक है जिसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना आता वो भी समझ ले ईजीली हैवी वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है कलर अच्छे से यूज़ करने पिक्चर्स और डायग्राम्स यूज़ करने ताकि उनको ईजिली इलस्ट्रेशन से इजिली पर्सन जो है वो समझ जाता है कोई भी ठीक है फ़ोन का साइज ठीक का रख ठीक ढंग से रखना है ज़्यादा बड़ा भी नहीं ज़्यादा छोटा भी नहीं ठीक है नॉर्मल साइज़ और हेल्पलाइन नंबर जो है उसमें ज़रूर मैंशन करना है सो इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन में आपको यही क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है मैनुअल वाले टॉपिक से नाउ कमिंग टू द मेमोरेंडम मेमोरेंडम से आपको क्या क्वेश्चन आ सकता है आपको लिखने का भी एक क्वेश्चन आ सकता है मेमोरेंडम से ठीक है मैं आपको बताऊँगी अभी तो so, मेमोरेंडम क्या होता है मेमोरेंडम क्या है रिटर्न कम्युनिकेशन का फॉर्म है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन ठीक है अगर मुझे सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सपोज ए बी सी नाम का हमारी ऑर्गेनाइजेशन और एक्स वाई जेड जो है वो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन कोई और ऑर्गेनाइजेशन अदर है ये ठीक है यहाँ पे डी नाम का वर्कर जो है वो काम करे अब ए बी सी में डी नाम का वर्कर काम करे ए बी सी जो है वो हमारी सेम ऑर्गेनाइजेशन है मुझे मैं हूँ इसमें से बी सपोज मैं बी हूँ मैं बी पर्सन हूँ मुझे डी को जो है वो एक मेमोरेंडम भेजना है तो मैं मेमोरेंडम लिखूँगी ठीक है लेकिन अगर मुझे यही एक कंपनी से दूसरी कंपनी में भेजना है तो मैं क्या लिखूँगी लेटर लिखूँगी मीन्स मैं अगर मेरी कम्युनिकेशन अपनी ही कंपनी के अंदर है तो आई विल राइट अ मेमोरेंडम इफ आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद दी अदर कंपनी ठीक है जिसकी मैं पार्ट नहीं हूँ आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दैट कंपनी सो आई विल राइट अ लेटर सो क्या बन गया ये कि It is a form of internal communication and are sent to people within the same organization. And if you want to write to someone at a different company, so you would use a letter. So memos jo hai wo individual memos bhi ho sakte hain और ये entire staff के लिए भी हो सकते हैं ठीक है individual memos में क्या आ जाएगा कि या तो आप सिर्फ एक ही person का नाम mention करें या तो आप पूरे entire staff का name mention करें all employees करके ठीक है two के वहाँ पे आप all employees कर देंगे अब मेमो में जो होता है वो क्या होता है बहुत ज़्यादा डिटेल्स जो है वो नहीं दी जाती है यू डोंट रियली नीड टू गिव टू मैनी डिटेल्स इन अ मेमो ठीक है आपका मैसेज जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होना चाहिए कि उसको समझ आ जाए नेक्स्ट आ जाएंगे टाइप्स ऑफ मेमो टाइप्स ऑफ मेमो में आ जाएंगे आपके दो तरीके के मेमो हैं इंफॉमेशनल मेमोज आ दिए एंड इंस्ट्रक्शनल मेमोज आ दे इन्फॉर्मेशनल मेमोज में क्या है

ठीक है क्या करना चाहिए मैम में आपको सिंपल लैंग्वेज रखनी चाहिए नंबर वन सेकेंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको उसमें लिखनी है जो आप बताना चाहते हैं राइट एग्जैक्टली वट यू मीन यूज़ हेडिंग्स प्रूफ रीड योर डॉक्यूमेंट भेजने से पहले प्रूफ रीड करें एक दो बार रीड करें ताकि आपको उसमें जो भी कमियाँ हैं वो दिखें नेक्स्ट अवॉइड अवॉइड क्या करना है डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं यूज़ करने अननेसेसरी डिटेल्स नहीं देनी कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस नहीं देने, देने हैं ठीक है क्रैम नहीं करना है ठीक है और स्पेलिंग चेक करनी है आपने ज़रूर ठीक है ये आपके फॉर्मेटिंग पॉइंट्स हैं इसमें आपके देखो ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट ठीक है ऑर्गेनाइजेशन में क्या आ जाएगा एक आ जाएगी डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट डायरेक्ट मींस आपको जो भी अपने मेमो में लिखना है ठीक है आप फर्स्ट पैराग्राफ में ही लिख देंगे या कभी कभी तो फर्स्ट सेंटेंस में लिख देंगे लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होगा इनडायरेक्ट एज द नेम सजेस्ट इनडायरेक्ट आप किस में लिखेंगे सबसे पहले पूरा का पूरा लिख देंगे उसके बाद आप सैंडविच फॉर्म में लिखेंगे मीन्स बीच में लिखेंगे ठीक है जैसे कि डायरेक्ट हम कब यूज़ करते हैं जब कोई हमारी गुड न्यूज़ होती है रूटीन कम्युनिकेशन लेकिन जब हमें किसी को बैड न्यूज़ देनी है सो वी विल यूज़ द डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन इन मेमो डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में आपका यूज़ करेंगे कि आप जो है वो मतलब इनडक्ट सॉरी यूज़ करेंगे इंडरेक्ट कैसे यूज़ करेंगे जब आपको कोई बैड न्यूज़ देनी है ठीक है या आपको कोई किसी को परजुएड करना है तो पहले आप अच्छी मीठी मीठी लाइन लिखेंगे बीच में उस चीज़ को सैंडविच सैंडविच मीन्स दो के बीच में एक होता है सैंडविच तो इस तरीके से ठीक है अब इसमें क्या आ जाएगा आपका मेमो का फॉर्मेट फॉर्मेट क्या जाता है मेमो का सबसे पहले आपके फॉर्मेट में आ जाती है डेट उसके बाद टू उसके बाद फ्रॉम उसके बाद सब्जेक्ट अब डेट आपने किस तरीके से लिखनी है और ये सारे आपने कैपिटल में लिखने मैंने तो ऐसे लिख दिया ना आपने ऐसे लिखने डेट टू फ्रॉम ठीक है इस तरीके से लिखने और सब्जेक्ट आपने कैपिटल लिखना है और इसमें आप डेट किस तरीके से लिखेंगे आप वैसे ही नहीं लिख देंगे जैसे आप लिखते हैं ऐसे ऐसे करके ठीक है आप वैसे नहीं लिखेंगे आप लिखेंगे जैसे मई है तो मई ट्वेंटी टू टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इस तरीके से ठीक है अब जो है डेट जिसमें आपने मेमो डिस्ट्रीब्यूट किया टू अब टू में आप यहाँ पे ऑल एम्प्लॉयज़ भी लिख सकते हैं ठीक है ऑल इम्प्लॉयज़ भी लिख सकते हैं या जो भी आप लिखना चाहें जिसको भी लिख रहे हैं जिसका नाम मेंशन हो रहा नाम भी फ्रॉम आप अपना नाम लिख सकते हैं या जो भी आपका बताया हुआ है नाम कभी कभी होता है ना हमें क्वेश्चन में, में ही नाम बताया होता है कि ये आपका नाम है आपने इस नाम से लिखना है सब्जेक्ट सब्जेक्ट में क्या होता है आपका कि आपने बताना है कि आप लिख क्यों रहे हैं मेमो ठीक है वाई आर यू राइटिंग द पर्पज ऑफ राइटिंग अ मेमो यह आ जाएगा सब्जेक्ट यूजेस पहले उसके बाद एग्जाम्पल देखने से पहले हम यूजेस कर लेते हैं यूजेज में क्या आ जाएगा नंबर वन टू प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नंबर टू टू इशू एन इंस्ट्रक्शन टू को वर्कर्स और इम्प्लॉइज नंबर थ्री टू ऑफर सजेशंस नंबर फोर टू इंटीमेट अ पॉलिसी डिसीजन नंबर फिफ्थ टू पुट समथिंग ऑन रिकॉर्ड ठीक है समझ गए आप देखो यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है सपोज यू आर सलोनी मेहता ठीक है वर्किंग एज जर्नरल मैनेजर write a राइट अमो टू द टेक्निकल स्टाफ इन्फॉर्मिंग दैम अबाउट द चेंज इन सॉरी वर्किंग आवर्स एंड वीकली ऑफ ओके अब आप सलोनी मेहता है तो आप अपने इसका format क्या था format था इसका date बड़े लिखने हैं आपने ठीक है to from और subject अब आपको बता दिया है कि आप कौन हो फ्रॉम आप सलोनी मेहता अपना नाम नहीं लिखेंगे सलोनी मेहता है आपका नाम अब सलोनी सबसे पहले डेट लिखेंगे आप सपोज जनवरी टू किसके लिए है टेक्निकल स्टाफ लिखा हुआ है ना यहाँ पे मेमो टू टेक्निकल स्टाफ तो टू टेक्निकल स्टाफ फ्रॉम सलोनी मेहता जनरल मैनेजर ठीक है सब्जेक्ट क्या है कि चेंज इन चेंज इन वर्किंग आवर्स एंड वीकली ऑफ उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे उसके बाद अपना मेमो लिखना स्टार्ट कर देंगे ठीक है मेमो आप लिखना स्टार्ट कर देंगे और लास्ट में लिख देंगे सलोनी मेहता ये आप लिख देंगे एस डॉट एम ठीक है लास्ट में एक लाइन छोड़ के डेजिग्नेशन तो आप कैसे लिखेंगे इन व्यू ऑफ डेवलपिंग पावर्स सप्लाई सिचुएशन इन द कंपनी हैज डिसाइडेड टू अडॉप्ट न्यू वर्किंग आवर्स फ्रॉम सेवन ए एम टू फोर पी एम द वीकली ऑफ विल बी ऑब्जर्व ऑन मंडे इन प्लेस ऑफ संडे दिस चेंजेस विल कम टू कम इन टू फोर्स फ्रॉम सेवंथ जनवरी कोमा टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एक लाइन छोड़ के उसके बाद लास्ट में सलोनी मेहता का शॉर्ट क्या हुआ एस एम ठीक है इस तरीके से आपके लिखेंगे मेमोज अपने लिखेंगे बनाने आपको खुद ही पड़ेंगे वहाँ पे कोई भी आपको आ सकता है रैंडमली थोड़ा आ जाएगा आपका एजेंडा एजेंडा क्या होता है अब ये एजेंडा क्या होता है एजेंडा जो होता है सबसे तो पहले इसका मीनिंग क्या होता है वो हम देखेंगे एजेंडा जो है वर्ड वो कहाँ से डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड एजेंडम ये आपने मेंशन करना है सब कुछ फ्रॉम द लेटिन वर्ड एजेंडम ठीक है इट्स मीनिंग इज मीटिंग और थिंग्स टू बी डन थिंग्स टू बी डन एट मीटिंग थिंग्स टू बी डन एट अ मीटिंग इज नोन एज एजेंडा ठीक है फॉर्मल एजेंडा क्या होता है अ अ फॉर्मल एजेंडा ऑफ ऑफ मिनट मीटिंग लिखा जाता है इन एन ऑर्डर और सीक्वेंस ठीक है उसमें सारे के सारे इश्यूज आपके इंडिविजुअल मैटर्स वगैरह डिस्कस जो भी आपने मीटिंग में डिस्कस करना है ठीक है जो भी आपने मीटिंग में डिस्कस करना है सपोज मैंने मीटिंग बुलाई है कल अब मेरे को मीटिंग में कल क्या डिस्कस करना है तो मैं एक एजेंडा ऑफ अ मीटिंग जो है वो तैयार करूंगी ठीक है फॉर्मेट वगैरह उसका सब कुछ होता है मैं आपको बताऊंगी अभी आप हम तैयार करेंगे और उसके बाद हम उन उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि मैंने अपने एजेंडा में मेंशन किए हैं सो एजेंडा एजेंडा क्या होता है एजेंडा एजेंडा क्या होता है कि स्पेसिफिक टाइम एट एन इशू इज़ टू बी टेकन अप ड्यूरिंग अ मीटिंग ठीक है इशूज दैट आर टू बी डिस्कस्ड इन अ मीटिंग इज नोन एज एजेंडा अब एजेंडा को कभी कभी क्या बोलते हैं एजेंडा इज ऑल्सो नोन एज प्लान प्लान बोलते हैं लिस्ट बोलते हैं और डॉकेट बोलते हैं डी ओ सी के ई टी डॉकेट प्रोग्राम स्ड्यूल और कैलेंडर ठीक है देयर फॉर अ मीटिंग एजेंडा इज अ ब्लू प्रिंट ऑफ हाउ द मीटिंग इज टू इज गोइंग टू बी रन किस तरीके से मीटिंग में क्या डिस्कस करने वाले हैं वो हमें कौन बताएगा एजेंडा बताएगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है मीनिंग है मीनिंग बता दिया मैंने इंपॉर्टेंस क्या है कि इट इज़ अ बैकबोन इंपॉर्टेंस ही जो है वो पर्पज है ठीक है अलग नहीं है परपज कुछ इम्पोर्टेंस ही पर्पज है अगर आपको पर्पज आ जाए तो आपने इम्पोर्टेंस ही लिखनी है वहाँ पर ये बैक बोन है मीटिंग का ठीक है सिस्टमैटिक होता है प्रॉपर डिस्कशन होती है इसमें जितनी भी लिस्ट की हुई होती हैं आइटम्स इसमें ठीक है अगर एजेंडा नहीं होगा इन दी एब्सेंस ऑफ एजेंडा मीटिंग जो होगी वो क्या होगा एक तो लॉस हो जाएगा प्रेशियस टाइम का जो प्रेशियस टाइम है उसका लॉस हो जाएगा एनर्जी का लॉस हो जाएगा रिसोर्सेज का लॉस हो जाएगा ठीक है और पार्टिसिपेंट्स को पता ही नहीं होगा कि बात किस बारे में हो रही है तो वो प्रिपेयर भी नहीं करके आएंगे ऑलरेडी ठीक है लेकिन अगर हम एजेंडा हम दे दें पार्टिसिपेंट्स को कि भाई इस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं तो क्या होगा फिर कि उनको पहले से आइडिया होगा कि हम किस बारे में डिस्कस करने वाले हैं तो अपने सजेशन्स पॉइंट ऑफ व्यूज़ अपने परस्पेक्टिव हमें बता सकते हैं ठीक है अब आ जाएंगे इसके एलिमेंट्स एलिमेंट्स आ जाएंगे इसके सबसे पहला एलिमेंट है कॉल टू ऑर्डर यर रोल कॉल अप्रूवल ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग अप्रूवल ऑफ एजेंडा communications, अप्रूवल ऑफ बिल्स प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट्स न्यू बिजनेस एनी अदर आइटम और लास्ट में adjournment, ठीक है कॉल टू ऑर्डर आपको अलग से भी आ सकता है कि what डू यू मीन by कॉल टू ऑर्डर शॉर्ट में कॉल टू ऑर्डर इन एजेंडा तो कॉल टू ऑर्डर क्या होता है जिसमें आपकी रोल कॉल ली जाती है कि कौन लोग मीटिंग में आ गए हैं कौन लोग अभी चले गए हैं उठ के या कुछ भी वो होती है रोल कॉल ठीक है कॉल टू ऑर्डर क्या है फॉर्मल बिगनिंग है मीटिंग की ठीक है रोल कॉल ऑफ द मेंबर्स जिसमें मेंबर्स की रोल कॉल होती है ओके फॉर्मेट फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया फॉर्मेट भी वही है अब हम करेंगे एक एजेंडा डिस्कस जैसे कि राइट एन एजेंडा फॉर एन एमरजेंट मीटिंग ऑफ शिमला बिजनेस चैम्बर टू डिस्कस न्यू जीएसटी रूल्स एंड चेंज इन बिजनेस आरस इंप्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट अब इसको हम लिखेंगे किस तरीके से सबसे पहले हम एजेंडा को कैसे लिखते हैं हाउ डू वी राइट एन एजेंडा सो फॉर राइटिंग एन एजेंडा सबसे पहले हम लिखते हैं डेट of circulation, then we'll write suppose sorry 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 सबसे पहले हम heading डालते हैं ठीक है जो भी उसका होगा heading डलेगी ना पहले जो भी नाम आपको दिया होगा वहाँ पे ठीक है फिर आ जाएगी date of circulation फिर आ जाएगी आपकी title of agenda फिर आ जाएगा date फिर आ जाएगा time यहाँ पे नहीं लिखना आपने नीचे लिखना है मेरे पास स्पेस नहीं थी इसलिए मैं यहाँ लिख रही फिर आ जाएगा वेन्यू कहाँ पे हो रही है मीटिंग फिर पॉइंट आ जाएंगे इसके इतने पॉइंट्स हैं फिर लास्ट में सिग्नेचर फिर लास्ट में पर्सन का नाम और वो उसकी डेजिगनेशन क्या है तो अब यहाँ पे क्या था आपको इमरजेंट मीटिंग ऑफ शिमला बिजनेस चैम्बर सबसे पहले हेडिंग डलेगी आपकी क्या हेडिंग डलेगी शिमला बिजनेस चैम्बर ये डलगी उसके बाद आप लिखेंगे डेट ऑफ सर्कुलेशन सपोज डेट ऑफ सर्कुलेशन जनवरी ट्वेंटी टू थाउजेंड ट्वेंटी की है ठीक है उसके बाद आए टाइटल टाइटल क्या है आपके कि न्यू जीएसटी रूल्स आपको जो है वो करने हैं तो आप वो टाइटल लिख देंगे उसके बाद डेट आप लिख देंगे डेट की अलग सेटिंग डलेगी डेट क्या है कि किस दिन है आपकी मीटिंग उस दिन की डेट सपोज जनवरी ट्वेंटी को मैंने नोटिफिकेशन निकाली तो जनवरी ट्वेंटी को आई ये मीटिंग कोमा टू फिर टाइम टाइम क्या है सिक्स थर्टी सपोज फिर वेन्यू वेन्यू आ जाएगा आपका जैसे सॉरी वेन्यू आ जाएगा जैसे आपका कोई भी वेन्यू आ जाएगा इसमें कम्युनिटी सेंटर कर लो ठीक है फिर इसमें आपका सबसे पहले कॉल टू ऑर्डर लिखना है आपने पहले पॉइंट पे सेकंड पे आपने लिखना है पॉइंट जो भी आपके मीटिंग में डिस्कस किए होंगे जो भी आप बनाएंगे अपने हिसाब से चौथा एडजनमेंट लास्ट में आपके ना, नाम नाम वगैरह और सब कुछ और ख़त्म ठीक है इस तरीके से आप जो है वो एजेंडा को लिखते हैं नाउ कमिंग टूवर्ड्स द मिनट्स ऑफ अग मिनट्स ऑफ अ मीटिंग क्या होता है मिनट्स ऑफ अगरिज इंग मीटिंग अब किस बारे में बात करनी है दैट कम्स अंडर द एजेंडा क्या बात करी देट कम्स अंडर दिन ऑफ मीटिंग क्या बात करी क्या चीजों को हमने डिस्कस किया वो मीटिंग हो जाएगी ठीक है क्या बात करनी है गोइंग टू बी डिस्कस्ड वो आ जाएगा आपका एजेंडा क्या बात करी विच आर डिस्कस्ड वो क्या आ जाएगा मिनट्स ऑफ मीटिंग तो मिनट्स ऑफ मीटिंग में क्या आ जाएगा कि हमने क्या बात करी मीटिंग में क्या बात हुई मीटिंग में क्या बात करनी है इन फ्यूचर मीटिंग जो होने वाली है उसमें क्या बात करनी है दैट इज़ नोन एज एजेंडा मीटिंग में क्या बात हो रही है दैट इज़ नोन एज मिनट्स ऑफ अ मीटिंग सो मिनट्स ऑफ अ मीटिंग जो है इसको हम प्रोटोकॉल भी बोलते हैं ऑल्सो नोन एज प्रोटोकॉल और नोट ठीक है आप भी नोट्स बना रहे होंगे आई होप आप बना रहे होंगे फिर मे मेरे को मैसेज कोई भी नहीं करेगा कि प्लीज़ पी भेजो कुछ भी है आप नोट आपकी नोट टेकिंग भी तो इम्प्रूव होनी चाहिए कुछ भी है, है ना तो प्रोटोकॉल और नोट इसको बोलते हैं अब मिनट्स आर दी डिटेल्ड नोट्स और दी ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ मीटिंग अग मिनट्स इन द मीटिंग सिग्निफाइज समथिंग स्मॉल अब मिनट्स का मतलब क्या होता है मिनट्स का मतलब होता है मिनट्स मीन्स स्मॉल एस एम ए डबल एल स्मॉल ओके अब ये वो वाले मिनट्स नहीं है जो घंटे और वो वाले होते हैं वो नहीं है ये मिनट्स का मतलब होता है स्मॉल मतलब स्मॉल पॉइंट्स जो कि डिस्कस हुए हैं मीटिंग में ठीक है और ये कहाँ से ड्राइव हुआ ये वर्ड मिनट्स ऑफ मीटिंग वर्ड से डिस्क्राइब सॉरी डिराइव हुआ है माइन्यूटा स्क्रिप्ट्यूरा इट इज ड्राइव द दैटिन वर्ड माइनूटा स्क्रिप्ट्यूरा इट मीन्स स्मॉल नोट्स इसका मतलब होता है स्मॉल नोट्स सो दैट इज वाई इट इज नोन एज मीटिंग ऑफ मीटिंग को मीटिंग नोट्स बोलते हैं बिकॉज इट हैज बीन डिराइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड माइन्यूटा स्क्रिप्ट्यूरा सो इसके बाद इट इंक्लूड्स द लिस्ट ऑफ अटेंडीज अटेंडेड द मीटिंग एंड द इशूज दैट आर रेजड इन मीटिंग वट आर दशूज दैट आर डिस्कस वर द डिस्क्रिप्शन by the attendees. so यहाँ पे final decisions के बारे में discuss किया जाता है last में mention किया जाता है इसमें ठीक है और कौन सा काम किसको असाइन किया गया है व्हाट आर द डेडलाइंस या कुछ भी है ठीक है ये हम इसमें डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस क्या है इसकी इंपॉर्टेंस है कि इट प्रोवाइड्स एन ऑफिशियल रिकॉर्ड सेकंड इट प्रोवाइड्स ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन इट प्रोवाइड्स द रोड मैप फॉर फ्यूचर कोर्स कि अगली बार हमने क्या डिस्कस करना है क्योंकि जो हमने चीज़ें डिस्कस कर ली होंगी अगली बार उन चीजों को डिस्कस नहीं किया जाएगा सो इट प्रोवाइड्स अ रोड मैप फॉर फ्यूचर कोर्स नेक्स्ट इट शेज इट सेव्स द सेव द मैनेजमेंट एंड द कंपनी फ्राम अननेसेसरी लीगल हार्डशिप क्योंकि मिनट्स जो है लीगल डॉक्यूमेंट है कोई बोल नहीं सकता कि आपने मीटिंग में क्या डिस्कस नहीं किया क्या करा ठीक है अब मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या बताते हैं नेक्स्ट शोज द जर्नी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से उन्होंने जो है वो क्या क्या डिस्कस किया क्या क्या नई चीज़ें इंप्लीमेंट करी ठीक है और मीटिंग के स्टार्टिंग में इनको डिस्कस किया जाता है मिनट्स को ठीक है अब इसके आ जाएंगे प्रेपरेशन ठीक है मिनट्स ऑफ मीटिंग की क्या जाएगी आप प्रिपरेशन सो बिफोर कमिंग टू द दिपरेशन विल डिस्कस द फॉर्मेट सो फॉर्मेट में आ जाएगा सबसे पहले नेम ऑफ द कंपनी नेम ऑफ द कंपनी आप यहाँ लिखेंगे बिल्कुल बीच में उसके बाद आ जाएगा आपका सॉरी नेम ऑफ द कंपनी टॉपिक जो भी आपको लिखा होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद जाएंगे आपके यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे मीटिंग मिनट्स मीटिंग मिनट्स उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे मीटिंग की डिस्क्रिप्शन उसके बाद डेट उसके बाद इस तरफ ही चलें अभी वेन्यू इसके बाद टाइम फिर अटेंडीज फिर एबसेंटीज फिर अप्रूवल ऑफ मिनट्स ऑफ लास्ट मीटिंग लास्ट मीटिंग के भी मिनट्स अप्रूव किए जाएंगे इसमें सेकंड प्रेपरेशन फॉर नेक्स्ट सेशन इसमें वन पॉइंट टू आ जाएगा ठीक है एबसेंटीज के नीचे दो पॉइंट्स बनाने हैं फिर प्रेपरेशन फॉर द नेक्स्ट सेशन ठीक है और लास्ट में क्या हो जाएगा न्यू अपॉइंटमेंट्स कोई हुई होगी तो वो और नेक्स्ट मीटिंग कब है हमारी वो भी लिखेंगे और लास्ट में एडजमेंट हो जाएगी और सिग्नेचर लास्ट में वही नेम और डेजिग्नेशन ठीक है सपोज जैसे कि आपको यहाँ पे दिए सबसे पहले प्रिपरेशन कर लेते हैं अब प्रिपरेशन में क्या है सबसे पहले प्री प्लानिंग नोट टेकिंग और ड्राफ्टिंग ऑफ मिनट्स प्री प्लानिंग में आप प्लान करेंगे कि हमने किस बारे में डिस्कस करना है वो सब कुछ होगा आपका ठीक है नोट टेकिंग नोट टेकिंग अब जो भी मिनट्स उस वक्त जो भी पर्सन बोल रहा होगा उसके चल तो रही मिनट्स जो हम नोट्स करेंगे कि वो क्या-क्या पॉइंट्स बता रहा है ड्राफ्टिंग ऑफ मिनट्स फिर स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्मेट से हम क्या करेंगे मिनट्स को ड्राफ्ट करेंगे सपोज यहां पे आपको दिया हुआ है एक क्वेश्चन एज अ सेक्रेटरी ऑफ मैनेजमेंट कमेटी राइट मैनेजमेंट कमेटी राइट मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ़ लिटिल स्टार्स पब्लिक स्कूल देहरादून ठीक है अब इसमें क्या आ जाएगा सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे लिटिल स्टार्स पब्लिक स्कूल देहरादून ऑल इन कैपिटल जैसे कि ऐसे बस स्पेस नहीं इतनी मैंने बता देती ठीक है ये आपका पूरा कैपिटल फिर आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे मीटिंग मिनट्स बीच में डालेंगे इसके नीचे ही फिर आप स्टार्ट करेंगे मीटिंग की डिस्क्रिप्शन फिर ऐसे ऐसे करके ये कोलहन लगाने आपने ठीक है उसके बाद आप लिखेंगे कि ये मीटिंग ऑफ द गवर्निंग काउंसिल फिर ये इसमें बताएंगे आप ठीक है मीटिंग के डिस्क्रिप्शन फिर लिखेंगे डेट तो आपको पता है फिर कोलन डेट लगा लिख देंगे आप टाइम आपको अपने हिसाब से लिख देंगे देन यू विल आर्ट दैन्यू वेन्यू वेन्यू आपका जो भी है वो लिख देंगे आप और डेट के साथ एक बात का ध्यान रखना डे अगर आप लिख रहे हैं डेट के साथ अगर आप डे लिख रहे हैं तो डे पहले लिखना है जैसे कि ऐसे थर्सडे कोमा जनवरी ट्वेंटी टू कोमा टू थाउजेंड ट्वेंटी इस तरीके से ठीक है Venue, आप लिख देंगे, attendees. कौन जाएंगे सब persons के नाम ऐसे-ऐसे करके लिख देने हैं आपने, उसके बाद जाएंगे भी 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 आपने लिख देना है जो भी है absentee, suppose कोई भी absentee. Absentee, SP suppose absent है जो कोई एस पी राइट द नेम फिर नंबर वन आ जाएगा इसके बाद अप्रूवल ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखेंगे आप फिर कि भाई आप कैसे लिखेंगे इसमें मीटिंग January 23, थ्री को मैं टू थाउजेंड ट्वेंटी टू वर अप्रूव्ड एज आप लिखेंगे इसकी प्रपरीशन फॉर द नेक्स्ट सेशन प्रपरीशन में आप वही लिखेंगे ठीक है कि नेक्स्ट वाले में हम क्या कर रहे हैं कि वी हैव डिसाइडेड टू इंस्टॉल सैनिटाइजर्स या कुछ भी कैंपस में न्यू अपॉइंटमेंट्स कोई हुई हो तो आप वो लिखेंगे थर्ड पॉइंट पे फोर्थ में नेक्स्ट मीटिंग कब होने वाली है वो लिखेंगे और लास्ट में एडजनमेंट लिख देंगे बस एडजर्नमेंट लिखना है

इट मे बी डिफाइंड एज एन ओरल एक्टिविटी दैट यूज विजुअल मीडियम लाइक अ प्रोजेक्टर और पावर पॉइंट स्लाइड टू डिस्कस न्यू आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन विद स्पेसिफिक ऑडियंस इन अ परसुएसि एंड कन्विसिंग मैनर आप जो है विजुअल मीडियम का यूज़ करते हैं आप स्लाइड्स का यूज़ करते हैं यू यूज़ पावर पॉइंट स्लाइड प्रोजेक्टर्स ठीक है ताकि आप जो है न्यू आइडियाज इंफॉर्मेशन को डिस्कस कर रहे हैं स्पेसिफिक ऑडियंस के साथ ठीक है इन अ परिव एंड कन्विंसिंग मैनर अब प्रेजेंटेशन और लेक्चर में क्या फ़र्क होता है प्रेजेंटेशन में हम जो है वो बताते हैं लेक्चर में हम क्या करते हैं सिर्फ बोलते हैं हम इसमें ये नहीं देते कोई भी मीडियम का यूज नहीं करते पर्पस के प्रेजेंटेशन का पर्पस ये तीन पर्पस हैं टू इनफॉर्म टू इनफॉर्म और टू टीच द ऑडियंस अबाउट स्पेसिफिक थिंग और समथिंग न्यू थिंग और और ऑन एनी स्कीम्स ऑफ एन इंटरेस्टिंग टॉपिक या कुछ भी सेकंड टू परजुएड और टू कन्विंस टू सी और बिलीव इन सर्टेन वे थर्ड टू बिल्ड अ गुड विल गुड विल मीन्स टू एंडरटेन नेक्स्ट जाएंगे करेटिस्टिक्स करेटिस्टिक्स क्या है कि सब्जेक्ट मैटर आपका वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए गुड होना चाहिए ठीक है ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए प्रेजेंटेशन ज्यादा छोटी नहीं भी हो नहीं होनी चाहिए स्लाइड्स का यूज अच्छे से करना है आप लोगों ने ठीक है स्लाइड से पढ़ के नहीं बोलना है फिफ्थ क्या आ जाएगा कि टाइम का आपको ध्यान रखना है और इजी लैंग्वेज का यूज करना है जारगन क्लीशे वगैरह सब कुछ अवॉइड करने हैं आपने ठीक है आपने पढ़ा ना एकेडमिक राइटिंग के जो वो हैं उन सबका यूनिटी वगैरह होनी चाहिए और जार्गन क्लिश वगैरह को यूज नहीं करना है और क्या आ जाएगा कि ऑप्टिमिस्टिक नोट पे इसको एंड करना है ठीक है पॉजिटिव कंक्लूजन होना चाहिए आपका और आपको जो प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए इसमें प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए यूज़ ऑफ स्लाइड्स विजुअल्स अच्छे से यूज़ करने हैं पिक्चर्स वगैरह ताकि अच्छे से समझ आ जाए ठीक है और इसमें आपने बिगनिंग अच्छे से करनी है हेवी टेक्स्ट का यूज़ नहीं करना है ठीक है एनालाइज़ करना है ऑडियंस की ऑडियंस किस तरीके अगर ऑडियंस उस तरीके की बच्चा है ऑडियंस में अगर बच्चों को आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो तो उनके साथ इंट्रैक्ट करो ठीक है इंट्रैक्ट इन अ चाइल्डिश मैनर ठीक है हंसाओ उनको तो वो जो है वो इंटरेस्ट लेंगे इंटरेस्ट चुकाना है इसके कंक्लूजन पर भी अलग से क्वेश्चन आ जाता है कि वट डू यू मीन बाई वट इज़ द पर्पज ऑफ कंक्लूजन इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ठीक है तो कंक्लूजन का क्या पर्पज़ है जैसे कि गुड इंट्रोडक्शन क्रिएट्स द फर्स्ट इंप्रेशन इन द माइंड ऑफ द ऑडियंस द कंक्लूजन इज द लास्ट इंप्रेशन दैट दी ऑडियंस विल कैरी बैक विद दैम सो कंक्लूजन में आपने कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करनी है जितना आपने बताया हुआ है अपने एक घंटे की प्रेजेंटेशन में या कुछ भी है उसी को आपने जो है वो समरइज़ करना है ठीक है और इंट्रोडक्शन की तरफ रेफर करना है रेफर टू द इंट्रोडक्शन ठीक है इंट्रोडक्शन से मिला के ही आपने कंक्लूजन को करना है जैसे कि अगर आप इंट्रोडक्शन में बता रहे थे कि हम सपोज uh, हम कोई भी हम बात करें सपोज हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं सो so, हम लास्ट में एनिमल्स के एनिमल से कंक्लूड नहीं कर सकते ठीक है हमें प्लांट्स पर कंक्लूड करना होगा ठीक है और कंक्लूड योर प्रेजेंटेशन विद द बैंक मतलब एक ऑप्टिमिस्टिक नोट पे अपने प्रेजेंटेशन को कंक्लूड करेंगे आप ठीक है मीनिंग वगैरह मैंने बता दिया हुआ है प्रेजेंटेशन का आपको ठीक है सो इस तरीके कोश्चन्स आपको यूनिट वन और टू से जो है वो आ सकते हैं क्वेश्चन मैंने आपको डायरेक्ट बता दिए यही डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं बस आप मेमोरेंडम मिनट्स और एजेंडा पे ध्यान दें उनको लिखने की ट्राई करें उनका फॉर्मेट याद हो जाएगा बाकी आप लिख तो खुद लेंगे ठीक है इतने बड़े तो आप हो गए हैं फाइनल ईयर में हैं अपने आप तो बना ही लेंगे और लास्ट की जो बाकी की यूनिट्स बचती हैं सो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में उनको डिस्कस करूँगी थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू ऑल टेक केयर लव यू ऑल बाय